स्वागत है गाइस आज के ब्लॉग में। जैसे कि आपने हमें हर एक ब्लॉग में देखा है मिस्टर सुमित गोस्वामी हैशटैग ब्लॉगर के साथ, तो आज हम जा रहे हैं जैसे कि जुदानी मंदिर जो हमारा विराट में पड़ता है। हमारे हैशटैग सुमित गोस्वामी ब्लॉगर अब वहाँ ले जा रहे हैं हमें, वहाँ भी दर्शन करना है जुदानी मंदिर का। तो हमारे सुमित गोस्वामी जी आइए, तो हर हर महादेव। स्वागत है गाइस आज के ब्लॉग में। सो गाइस आज हम जा रहे हैं विरार जो कि जुदानी टेंपल जा रहे हैं विजिट करने। तो गाइस अभी हम माला स्टेशन पे, देखो गाइस हमने माला टू विरार का टिकट निकाल भी लिया है। तो गाइस हमारी ग्रुप है पूरी, अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस अभी दिखाते आगे, तो अभी हमें माला स्टेशन पे, तो अभी लोकल पकड़ते हैं विरार के लिए और सीधा चलते हैं। चलो फिर मिलते हैं आगे। सो गाइस हमारी टोली पहुंच चुकी है दही सर, जो कि सर दिख रहा होगा नेम प्लेट में। नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, हमारे पर भरोसा कर लो, हम दही सर पहुंच चुके हैं। अभी विरार पहुंचते फिर दिखाते हैं वहां से कहां जाना है कहां नहीं जाना है। अब तो अनुराग से दिखाते हैं हमको दही सर, मजा आ रहा है। हमारा हीरो एक दासी तो है जो कि बीच में दिख रहा है। चलो फिर मिलते हैं आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं विरार स्टेशन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रिक्शा और बस के लिए, मतलब देखते हैं अभी वहाँ पे, मतलब ईस्ट में जाएंगे ना तो इसमें रिक्शा भी मिलता है बस भी मिलता है। तो अभी दिखाते हैं आपको रिक्शा का और बस का प्राइस क्या है क्या नहीं, तो जाते देखते। चलो फिर निकलते। सो गाइस अभी हम लोग विरार स्टेशन से ईस्ट में आए ना, वहाँ के लिए वहाँ पे मतलब रिक्शा लिए ना, तो मतलब मंदिर तक जाने का ना एक पर्सन का ना 20 रुपये, मतलब एक सीट का 20 रुपये है। तो हम लोग ना एक रिक्शे में 6 लोग आ चुके हैं, अंकल को मिला के 7 लोग हैं। देखो अंकल कितने हैवी ड्राइवर है अपने। अंकल हाय बोल दो। हाय हैवी ड्राइवर अंकल, 7 लोग बिठा के चल रहे हैं। तो गाइस अभी आओगे यहाँ पे तो वही मतलब बताना था कि मैं 20 रुपये सीट है, बस का भी ऑप्शन है पर बस चले गया था। तो चलो फिर मंदिर के पहुँचते और दिखाते फिर। म्यूजिक बंद करो जरा। सो गाइस अभी हम जैसे कि विरार मंदिर आए ना, जैसे रिक्शा स्टैंड उतरेंगे ना, अगर आपको अगर जूना रास्ते से जाना है ना, तो वहाँ से लेफ्ट लेना है के बाद आगे तक चलना पड़ेगा थोड़ा दूर तक, फिर उसके बाद ना जूना वाला रोड से अपन हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है, देख लो ऊपर दिख रहा है इधर से, दिखा दे अनुराग। तो गाइस जैसे कि जूने वाले रास्ते से हम लोग जाएंगे ना, तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्या बहुत ही मस्त रास्ता है। इसके लिए हम कभी भी आते हैं तो जूने वाले रास्ते से ही जाते हैं। सो गाइस जैसे कि हम पुराने वाले रास्ते से जा रहे हैं ऊपर, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पुराने वाले रास्ते पे। देखो गाइस जैसा पीछे से व्यू दिखता है, फिर अभी जाते हैं, अभी दिखाते हैं रास्ते से। सो गाइस पुराने रास्ते से आओगे ना तो कतई मज़ा आता है, क्या बहुत ही अच्छा है, मतलब पुराना मतलब पूरा खुला मिलेगा ना, एक नंबर व्यू दिखता है। मैं आपको ना अभी ऊपर चल के दिखाता हूँ, देख लो गाइस ये पीछे मंदिर ऐसा बना है, मंदिर ही है, मंदिर ऐसा नहीं बना है। फिर वही, चलो फिर मिलते आगे। सो गाइस मतलब पुराने रास्ते से आएंगे ना तो गाइस ये पहला मंदिर मिलेगा आपको, और ये यहाँ के उसके बगल में ही एक सीढ़ी है, तो यही रास्ता पुराना वाला है। तो अभी जाते और देखते हैं, हम तो देखे ही, आपको भी दिखा दे पुराना रास्ता कैसा है, आप आओ अच्छा लग गया। चलो फिर सो गाइज हम आए अभी पुराने वाली सीढ़ी से, पुराने वाले रास्ते से। सो गाइज बहुत धूप है, हालत ख़राब हो गई है, देख रहे हो पसीना पसीना, हमारे ग्रुप के सभी लड़के थक गए, साले जवान नहीं है, साले बुढ़े हुए। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे रुके छाव में, तो मंडप तो ऊपर चले गया, महादेव का गाना बजाते बजाते फिर हम भी जाते। तो भाई जब ऊपर से दिखाते पूरा व्यू, एक नंबर दिखा दे इसे, देख लो गाइस। ऊपर आ चुके हैं गाइस, पुराने वाले रास्ते से आने का ना ये तो एक फ़ायदा, मतलब पूरा खुला रहता है। और गाइस नीचे का व्यू देख लो अनुराग, दिखा दे पूरा अच्छे से। तो गाइस ये व्यू ना आपको इस रास्ते से ना बहुत अच्छे से दिखा, क्योंकि ना पूरा खुला रहता है ना इसके लिए। अगर आप
पहले वाले रास्ते से आओगे ना जहाँ पे रिक्शा लगता है, तो वहाँ पे उतना खुला आपको नहीं मिल पाएगा। तो गाइस चलो अभी थोड़ा और बाकी है, जाते दर्शन करते, दिखाते ऊपर का व्यू। चलो फिर मंदिर आए थे तो पता नहीं पूरा खाली खाली लग रहा है, पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, बंद की क्या है, बंद तो नहीं रहेगा बट पूरा खाली खाली लग रहा है। देख लो गाइस पूरा मतलब पूरा खाली है, अभी देखते हैं आगे जा चल के दिखाते हैं। देख लो गाइस जैसे कि ये सब है ना मतलब कतार में खड़े रहते हैं लोग, तो ये भी मतलब पूरा खाली खाली लग रहा है, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, जाके देखते हैं। अभी हम तो एंटर कर चुके हैं, सो गाइस आगे जाके दिखाते हैं। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं, सो गाइस ये जो पीछे दिख रहा है ना वहीं पे मतलब मंदिर है जीरानी माता का। तो गाइस देख लो मेरे पीछे ना, यहाँ पे देखो पोस्टर में ना कैमरा ऐसा मना किया है, फिर भी हम लोग ना चोरी चोरी दिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलो फिर जाते सीधा वहाँ पे, चुपके से अनुराग को बोलूँगा कि थोड़ा सा सीन ले ले, तो चलो फिर जाते। अरे देवा ये गड़बड़े बाबा, जैसे कि आपने जीरानी माता का दर्शन किया है देखिए पिछले पिछले व्यू में। तो गाइस अभी ये तो है ना पूरा टॉप का है, मतलब मॉल जैसा है, यहाँ पे सब बैठते हैं और विश्राम करते हैं। तो गाइस अभी हमने पुराना रास्ते से आए, अभी ना नए वाली जो सीढ़ी है ना, जो मतलब जहाँ से सब पब्लिक आती है, अभी वहाँ से जाकर आपको दिखाते हैं वहाँ का, फिर लोग एड करते हैं। यहाँ पे ना मतलब पत्थर में ना सिक्के चिपकते हैं, तो गाइस मैं कैसे चिपका था आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। तो गाइस जैसे कि चिपका हुआ है ना, पीछे जाओ अनुराग। तो गाइस जैसे कि चिपका हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा, जिसने यहाँ से निकाला और रिटर्न चिपकाया। चिपक गया फिर से उसको भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। तो गाइस ये था अभी, तो चलो अभी निकलने का टाइम हो गया, अभी मंडल चिपका रहा है, मंडल का देखते गाइस। अभी था सपने ना गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा है, मिल जाएगी सक्सेसफुल। So guys, हम आए हैं नए वाले सीढ़ी से। अनुराग मजा आया क्या? विजिट करो। गाइस ये देखो, ये हम नए वाले रास्ते से आए थे, पुराने से जा रहे हैं नए से। हाँ देखो अंकल बता रहे, अंकल बताओ देखो कौन से ब्लॉक में बन रहे, ब्लॉक किस में बन रहा है। So guys बस यही रास्ता था, तो अभी हम जा रहे हैं iPhone 11।